नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ इस वक्त मैं खड़ा हूं सेंट्रल हॉल के परिसर में। चूंकि आज सेंट्रल हॉल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, इस उद्घाटन समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं थे, तो हमने सोचा कि जब सारे मंत्रियों को इस परिसर में रूम दिया गया है, तो हमने सोचा कि चलिए नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं उनका रूम चल के देखते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस रूम के ठीक बगल में पेंट्री रूम दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष पता नहीं उनके बगल में पेंट्री रूम डिजर्व करते हैं कि नहीं डिजर्व करते हैं, लेकिन बाकी मंत्रियों के हमने जब रूम देखे तो उनके बगल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के रूम के ठीक बगल में पेंट्री रूम देना ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। फिलहाल ये इत्तेफाकन भी हो सकता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस रूम के अंदर और क्या चीज़ें खास हैं, हम चल के देख सकते हैं। फिलहाल ये रूम अनलॉक है, हम इस रूम के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर दो कुर्सियाँ लगाई गई हैं। अपने कैमरामैन से हम अनुरोध करेंगे, कैमरामैन हमारे विकास कुमार हैं, इनसे हम अनुरोध करेंगे कि अंदर आएं और अंदर आकर दिखाएं। ठीक इसके ठीक सामने एक टेबल दिया गया है, एक आपको मेज़ दी गई है और कुर्सी दी गई है, यहाँ पर शायद उनके पीए वगैरह बैठ सकते हैं। ये जो रूम है तेजस्वी यादव का, ये रूम है, जब वो सेंट्रल हॉल में आएंगे आराम करने का मन करेगा तो इस रूम में आएंगे। इस रूम में ठीक ये टेबल है, इस टेबल पे अगर वो आएंगे तो इस टेबल पे अपने के उनके कामकाज के सामान होंगे, उनकी फाइलें होंगी, लोग होंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, ये कुर्सियाँ लगी हैं, जो उनसे बात करने आएंगे वो लोग होंगे। ये टेबल कुर्सियाँ दी गई हैं, जो बाकी लोग आएंगे वो लोग बैठेंगे। अच्छा स्पेस है, आपको मैं दिखाना चाहूँ कि ये स्पेस ठीक ठाक है, सफिशेंट स्पेस है। इस स्पेस के बगल में ये वॉशरूम है, अपने कैमरामैन से हम अनुरोध करेंगे। ठीक ठाक वॉशरूम है, साफ सफाई है, फिलहाल अभी नया बना है इसलिए साफ सफाई है। आगे देखते हैं, ये जो रूम है इसमें विशेष और आराम करने की तो व्यवस्था नहीं की गई है, सिर्फ कामकाज को लेकर ही किया गया है जो कुछ किया गया है। बगल में इनके रूम के जो ये खिड़कियां दी गई हैं, ये खिड़कियां शायद अभी ना खुलें, थोड़ी सी टाइट है, नहीं खुल रही हैं। फिलहाल आपको हम बाहर का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। बाहर जो है ये अच्छा खासा कैंपस है, यहाँ पर लोग धूप सेक रहे हैं, अच्छा व्यू नज़ारा है, ये नज़ारा काफ़ी अच्छा है। फिलहाल ये जो रूम है ये तेजस्वी यादव को दिया गया है। तेजस्वी यादव आज उद्घाटन समारोह में नहीं थे, लेकिन जब वो सेंट्रल हॉल में आएंगे तो इस दौरान अगर उनको आराम करने का मन होगा या कुछ थोड़ी देर समय बिताने का मन होगा, कुछ लोगों से बात करने का मन होगा, तो इस कुर्सी पर आएंगे, आके बैठेंगे और उनके जानने वालों से बात करेंगे। फिलहाल अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देश दुनिया बिहार की सभी लेटेस्ट खबर के लिए आप लाइव सिटीज डॉट इन के साथ बने रहें।